नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल विरोधी कानून। दोस्तों ये कानून आजकल बहुत ही न्यूज में चल रहा है, यानी कि आप हर जगह न्यूज चैनल पे देखते होंगे एंटी डिफेक्शन के बारे में। क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, यानी कि वहां पे राजनीतिक संकट चल रहा है। एंड दोस्तों सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, इससे पहले भी काफी बार इस केस से रिलेटेड, मतलब इस लॉ से रिलेटेड केस हो चुके हैं। जैसे कर्नाटका में हुआ था, फिर दोस्तों मध्य प्रदेश में भी हुआ था। तो मतलब हर साल आप सुनते होंगे इस कानून के बारे में। तो आज हम इसी कानून को दोस्तों बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको दोस्तों स्टार्टिंग से लेकर आज तक की कहानी बताऊंगा कि ये कानून हमारे देश में कब लाया गया, क्यों लाया गया, ये सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों ये कानून स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि जब अंबेडकर साहब से पूछा गया, मतलब जब हमारा संविधान बन रहा था दोस्तों, तो अंबेडकर साहब से पूछा गया कि अंबेडकर साहब आप मेरे को एक बात बताइए कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ की गवर्नमेंट से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब कि वो जो वहाँ की सरकार होती है लोकतांत्रिक देश की, उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन कर सके, यानी ऐसी गवर्नमेंट जो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके। एंड दूसरा उन्होंने बोला दोस्तों कि स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, कि मतलब जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल रहनी चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेबल का मतलब दोस्तों आपको पता ही है कि मतलब एक तरह से ऐसा ना हो कि हर 15 दिन में नई सरकार आ रही है, कोई ऐसी सरकार आए जो कि 5 साल अच्छे से काम कर सके। तो दोस्तों ये वर्ड आप याद रखना, स्टेबल, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि गवर्नमेंट अगर स्टेबल ही नहीं होगी, मतलब हर 15 दिन में गवर्नमेंट ही अगर बदल जाएगी, तो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन नहीं हो सकता सही से। यानी कि अंबेडकर साहब ने इन दोनों पॉइंट्स को एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट माना एंड बोला कि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आप चलिए हम आते हैं एंटी डिफेक्शन पे कि इसकी कहानी कहां से शुरू हुई। तो 1967 में दोस्तों क्या हुआ, एक लेजिस्लेटर थे, यानी कि लेजिस्लेटर का मतलब आपको पता है, आप विधायक को भी कह सकते हैं, सांसद को भी कह सकते हैं। तो 1967 में एक लेजिस्लेटर थे जिनका नाम था आयाराम, AYA आयाराम, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया कि ये सपोज इलेक्शन जीते बीजेपी की टिकट से, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, इलेक्शन जीते बीजेपी की टिकट से, फिर इन्होंने जैसे ही इलेक्शन जीते तुरंत इन्होंने अपने आप को मतलब वहां से रिजाइन करके कांग्रेस ज्वाइन कर ली, ठीक है। फिर उसी दिन में दोबारा से रिजाइन करके इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, फिर दोबारा से इन्होंने रिजाइन करके शिवसेना ज्वाइन कर ली। मैं आपको दोस्तों एग्जांपल देके समझा रहा हूँ खाली नाम से, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या किया, एक ही दिन में दोस्तों तीन पॉलिटिकल पार्टी बदली, ठीक है। किसने बदली, आयाराम। तो इसलिए क्या हुआ, इन्होंने जब बदली पॉलिटिकल पार्टी तो इसी केस को कि जो ये चल रहा है, इन्होंने बोला आयाराम गया राम, यानी कि आया राम आया और गया, एक ही दिन में आप देख रहे हैं तीन बार इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बदल ली। आया राम गया राम पॉलिसी बोलते हैं दोस्तों इसे एक तरह से। तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने जब ऐसे किया तो बाकी लोग चिंता में आ गए कि अगर सारे लोग, यानी जितने विधायक हैं जितने सांसद हैं, इनके जैसी हरकतें करने लग जाएं तो ये जो हमारी गवर्नमेंट है ये स्टेबल ही नहीं रह पाएगी। क्यों, क्योंकि विधायक लोग अगर अपना सपोर्ट हटा लेंगे तो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, ऐसे ही सांसद लोग अपना सपोर्ट हटा लेंगे तो प्रधानमंत्री अब नहीं रह सकते ज्यादा दिनों तक। तो यानी कि इस काम से ये जो इन्होंने किया आया राम गया राम ने, कि ये आ रहे हैं और जा रहे हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी ऐसे ही करते रहे, तो गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रह सकती। एंड गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रह सकती तो दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन नहीं हो सकता। एंड अंबेडकर साहब ने बोला था कि सबसे जरूरी चीज है स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का स्टेबल रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए दोस्तों ये कानून लेकर आना पड़ा हम लोगों को, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून। यानी कि जो ये अपना दल बदल रहे हैं, बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से आम आदमी, आम आदमी से शिवसेना, इन्होंने जो ऐसी हरकत करी है इसकी वजह से हमें कानून लाना पड़ गया, दल बदल कानून, कि आपसे कोई ऐसी हरकत ना कर पाए ताकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या रह सके दोस्तों, स्टेबल रह सके, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो दोस्तों 1967 में जब ये सब केस चल रहा था तो उसके कुछ टाइम बाद, क्योंकि अब क्या हुआ, जब एक बंदे ने ऐसी हरकत शुरू कर दी कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी, अब दोस्तों ये लोग करते क्यों थे,
ये लोग करते थे पैसों के लिए, इसे कहा जाता है हॉर्स ट्रेडिंग, यानी कि विधायक को खरीदना और बेचना, इस टाइप का आप समझ लीजिए। ये पैसों के लिए करते थे, या इनको मंत्री पद चाहिए होता था, मान लीजिए बीजेपी में थे, बीजेपी में इनको मंत्री पद नहीं मिला, कांग्रेस ने लालच दी कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, हम आपको मंत्री बना देंगे, फिर कांग्रेस ने दी, फिर कांग्रेस के बाद आम आदमी ने मंत्री पद भी दिया प्लस पैसे भी दिए, तो इस टाइप से इनको जैसे जैसे लालच मिलती गई इन्होंने अपनी पार्टी चेंज कर ली बार बार। तो दोस्तों इससे स्टेबिलिटी हमारी खराब हो जा रही है, इसलिए हम ये कानून लेकर आए। यानी कि आप समझ रहे हैं मेन मोटिव क्या है यहाँ पर दल बदलने का, एक तरह से लालच, या तो पैसों की लालच है या मंत्री पद की लालच है, ठीक है। तो यही सारी बातें दोस्तों चल रही थी, फिर 1967 में ये कहानी शुरू हुई थी। अब 85 आते आते इनके जैसे बहुत सारे कलाकार हो गए, यानी कि ऐसी हरकतें करने लग गए जिससे कि सरकार की स्टेबिलिटी खराब हो रही है। बहुत सारे लोग अब बल्क में दोस्तों 10 विधायक 15 विधायक ऐसे ही बहुत सारे लोग पार्टी चेंज करते रह रहे हैं, सरकार गिराते जाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ फिर हमें रियलाइज हुआ 1985 में, कब रियलाइज हुआ दोस्तों 1985 में हमें रियलाइज हुआ कि हम लोगों को ये कानून लेकर आना चाहिए, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। एंड हमने अपने संविधान में संशोधन कर दिया, यानी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर दिया, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। इसमें दोस्तों हम ये लेकर आए कानून, एंड हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल ऐड कर दिया जिसे कहा जाता है 10th शेड्यूल। तो ये दोस्तों इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, दैट इज 52nd अमेंडमेंट एंड 10th शेड्यूल। एंड इसी में ये सारी बातें लिखी हैं कि अब से अगर कोई ऐसी हरकत करेगा, मतलब अपना दल ऐसे बार बार बदलेगा, तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। तो अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे कि डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब दल बदलने का मतलब क्या होता है। इसमें दोस्तों लिखा हुआ है, इस कानून में लिखा है कि डिफेक्शन किसको माना जाएगा, यानी कि किसके ऊपर एक तरह से ये कानून लगाया जाएगा। तो इसमें लिखा है कि कोई ऐसा विधायक या कोई ऐसा सांसद, मान लीजिए इसमें मतलब इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इलेक्शन जीतने के बाद, मान लीजिए कोई कांग्रेस से इलेक्शन जीत के विधायक बन गया, एंड विधायक बनते ही उसने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, अपनी मर्जी से उसने क्या किया, इस्तीफा दे दिया, तो उसको भी हम किसमें कंसिडर करेंगे, डिफेक्शन में। हमने पहला पॉइंट दोस्तों क्या डिस्कस किया कि कोई बंदा जीता एंड उसने वॉलेंटरली अपनी जो मेंबरशिप है पार्टी की उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा प्रोविजन क्या है, दूसरा प्रोविजन है कि पॉलिटिकल पार्टी ही चेंज कर ली, मान लीजिए कांग्रेस की सीट पे जीता है बंदा, कांग्रेस की सीट पे जीता एंड जैसे ही विधायक बना उसने क्या किया, कांग्रेस से रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन कर ली एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, चेंज पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने क्या करी, पॉलिटिकल पार्टी ही बदल ली। तो इस केस में भी क्या होगा, डिफेक्शन का कानून उस बंदे पे लगाया जाएगा। अब दोस्तों तीसरा इसमें क्या क्लॉज है, तीसरा इसमें है कि मान लीजिए कोई विधायक है, ठीक है, अब विधानसभा में मान लीजिए कोई बिल पास हो रहा है, एंड बिल जब पास होता है दोस्तों आपको पता है बाकी मतलब सभी लोगों को उसमें वोट देना होता है। अब मान लीजिए ये कांग्रेस के विधायक हैं, एंड कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस पार्टी ने इन विधायक साहब को बोला कि आपको इस बिल के फेवर में वोट करना है, मतलब कांग्रेस ने अपना एक हुक्म जारी किया है कि आपको इस बिल के फेवर में वोट करना है, बट जो विधायक साहब हैं ये बोलते हैं नहीं, मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं मानूंगा, या फिर इन्होंने इनके पास दो ऑप्शन थे, या तो इन्होंने बोला कि नहीं मानूंगा, या इन्होंने बोला मैं वोट ही नहीं करूंगा, यानी कि वोट देने से ही मना कर दिया। कांग्रेस ने इनको बोला कि वोट करिए, बट इन्होंने क्या बोला कि मैं या तो आंसर दूंगा नहीं, मतलब मेरे को वोट इसमें मतलब इसके फेवर में नहीं हुई, या फिर मेरे को वोट ही नहीं करना। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि इस सिचुएशन में भी इनके ऊपर डिफेक्शन का कानून लग जाता है, मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं मानता तो भी डिफेक्शन का कानून उस पर लगाया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट है कि कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति, आपको पता है कि जरूरी नहीं है कोई बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, आम आदमी पार्टी से हो, कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी दोस्तों इलेक्शन जीतते हैं। तो अगर कोई ऐसा विधायक है जो किसी भी पार्टी में नहीं है, मतलब जब वो विधायक बना तो वो किसी भी पार्टी में नहीं था, इंडिपेंडेंटली वो बंदा खड़ा हुआ एंड चुनाव जीता, तो दोस्तों चुनाव जीतने के बाद यानी कि विधायक बनने के बाद अगर ये व्यक्ति कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी, चाहे आम आदमी पार्टी, तो क्या होता है इसके ऊपर भी ये कानून लग जाता है। कौन सा कानून दोस्तों, डिफेक्शन का। अभी हमने चार केस पढ़ लिए दोस्तों, मैं एक बार दोबारा से डिस्कस करूंगा, एक लास्ट और डिस्कस कर लेते हैं। अब अगला है दोस्तों नॉमिनेटेड,
आपको पता है कि गवर्नर एंड प्रेसिडेंट नॉमिनेट भी कर सकते हैं मेंबर्स को। प्रेसिडेंट साहब पार्लियामेंट में नॉमिनेट करते हैं एंड गवर्नर किस में करते हैं दोस्तों, विधानसभा में नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स को, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होता है ना, इनके पास एक ऑप्शन दिया जाता है। वो ऑप्शन क्या होता है, इनको कहा जाता है कि आपके पास 6 महीने का टाइम है। कितने महीने का? 6 मंथ्स। अगर आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है तो आप इस 6 महीने में कर लीजिए। अगर आप 6 महीने के बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो फिर आपके ऊपर भी डिफेक्शन का कानून लगाया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होता है उनको 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि अगर आपको बीजेपी कांग्रेस में शामिल होना है तो जल्दी होइए, वरना फिर उसके बाद आपको किसी पार्टी में एंट्री नहीं मिलेगी, और अगर आपने कोई पार्टी ज्वाइन करी तो फिर आप पे डिफेक्शन लगा दिया जाएगा। तो दोस्तों हमने 5 पॉइंट कौन से डिस्कस किए। पहला था कि कोई व्यक्ति अगर अपनी मर्जी से इस्तीफा दे देता है पार्टी से। दूसरा है एक पार्टी से बदलकर दूसरी पार्टी में जाता है। तीसरा है कि अगर किसी पार्टी की बात मानने से उसने मना कर दिया, मतलब जो मैंने आपको वोट वाला एग्जांपल बताया था कि बिल पे वोट नहीं कर रहा है। चौथा क्या है दोस्तों, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है कोई और अगर ये जीतने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो भी इस पे डिफेक्शन लगता है। फिर है दोस्तों नॉमिनेटेड वाला कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को 6 महीने का टाइम दिया जाता है, अगर इनको कोई पार्टी ज्वाइन करनी है तो ये करें वरना ना करें। तो दोस्तों ये तो था डिफेक्शन के बारे में कि डिफेक्शन कब कब लगाया जा सकता है, ठीक है। यानी अगर कोई सिंगल व्यक्ति का मतलब क्या हुआ कि कोई अकेला विधायक अगर किसी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो उस पर ये कानून लगाया जाता है, यानी उसको सजा सुनाई जाती है फिर। बट दोस्तों इसमें एक ऑप्शन था स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या हुआ अभी आपको मैं समझाता हूँ। आप सपोज ये एक पार्टी है, मान लीजिए बीजेपी है, ठीक है। अब बीजेपी को अगर बीजेपी के विधायक को अगर कांग्रेस की पार्टी में जाना है, ठीक है, तो क्या होगा, ये अकेले जाएंगे, मतलब एक विधायक जाएगा तो क्या होगा, ये कानून लगा देंगे, दो जाएगा तो ये कानून लगा देंगे। बट दोस्तों एक प्रोविजन था पहले, अभी तो ये हटा दिया है कि अगर 1/3 विधायक यानी 1/3 लेजिस्लेटर्स जो होते हैं अगर वो एक साथ इसमें जाएंगे, यानी कि बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में जाएंगे, मान लीजिए 30 विधायक हैं, 30 में से 10 अगर जाना चाहते हैं एक साथ तो फिर चले जाएं, इनके ऊपर तब ये कानून नहीं लगता। बट दोस्तों फिर क्या हुआ कि पहले तो कानून किस पे था, एक बंदे पे, कि अकेला विधायक जाएगा तो कानून लगा दिया जाएगा। बट लोग इसका मिसयूज करने लग गए। मिसयूज कैसे, अब लोग होलसेल में जा रहे हैं, पहले एक अकेला जाता था, अब सीधा 1/3 पार्टी चली जाती है कि 1/3 MLA उठ के यहाँ पर आ गए, तो एक तरह से होलसेल में काम होने लगे, रिटेल वाला काम बंद हो गया। इसलिए दोस्तों इस प्रोविजन को भी क्या किया, हटा दिया गया। कब हटाया, इसको हटाया गया दोस्तों 2003 में बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दोस्तों जो है इसमें क्या बोला इन्होंने, इसमें इन्होंने बोला कि जो स्प्लिट वाला ऑप्शन है ना ये अब से नहीं रहेगा, यानी कि जो 1/3 MLA एक साथ जाते थे, पार्टी बदलते थे, तब इन पे ये कानून नहीं लगता था, लेकिन अब अगर कोई ऐसी हरकत करेगा कि 1/3 MLA भी एक साथ जा रहे हैं तो भी इन पे ये कानून लगाया जाएगा एंड उनको सजा सुनाई जाएगी। इसके बदले इन्होंने दोस्तों एक ऑप्शन रख दिया मर्ज। मर्ज का मतलब एक तरह से आपको पता है किसी दो चीजों को मर्ज करने का मतलब दो चीजों को आपस में मिलाना। तो इसमें इन्होंने बोला इंस्टेड ऑफ 1/3, पहले क्या था 1/3 लोगों का था, बट अब इन्होंने कर दिया 2/3, यानी कि अगर 2/3 लोग बोलेंगे कि हमें एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना है देन इट इज ओके, तब उस पर ये कानून नहीं लगेगा, ठीक है। इसे कहते हैं मर्ज। अब दोस्तों 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एक चीज और हुई थी, इसमें क्या हुआ था, इसमें 15% की कैप लगा दी थी, मतलब 15% से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं अपॉइंट किए जा सकते किसी भी स्टेट में या किसी भी मतलब सेंटर लेवल पे। जैसे कि सेंटर पे दोस्तों आपको पता है 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं होते इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, जितनी भी सीट्स होती हैं पार्लियामेंट के अंदर उसका 15% तक ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंक्लूड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ऐसे ही दोस्तों स्टेट में है, मान लीजिए यूपी है एंड यूपी की सपोज करते हैं 400 सीट है, ठीक है, 400 का आप अगर 15% करेंगे सिर्फ इतने ही आप क्या बना सकते हैं,
मिनिस्टर्स बना सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं, इससे ज़्यादा मंत्री नहीं बना सकते। वरना सोचिए दोस्तों कि 400 में से 400 के 400 को मंत्री बना दे तो कैसा रहेगा। पहले दोस्तों ऐसा होता भी था, 50% से ज़्यादा लोगों को मंत्री बना देते थे। अब मंत्री क्यों बनाते थे आपको पता ही है, सबको लालच रहती है मंत्री पद की, पैसा वैसा यही सब खाने पीने की, तो उसी चक्कर में दोस्तों लोग ये सब हरकतें करते थे। आज भी दोस्तों हमारे देश में ये काफ़ी जोरों शोरों से चलता रहता है, ये हॉर्स ट्रेडिंग और ये मतलब ये बदलना बदलना सारा। अब दोस्तों क्या हुआ कि ये है एंटी डिफेक्शन की बात हमने बात करी कि अगर कोई पार्टी छोड़ के जाएगा तो उस पर ये कानून लगाया जाएगा। बट दोस्तों अब मेन क्वेश्चन आता है कि डिसाइड कौन करेगा कि ये डिफेक्शन का केस है, कि अगर एक बंदे ने बीजेपी छोड़ा है और कांग्रेस ज्वाइन किया है तो फिर इसको डिसाइड कौन करेगा कि ये डिफेक्शन के अंदर ही आता है और डिफेक्शन के अलावा कहीं नहीं जाता, इसी कानून का हिस्सा है। तो दोस्तों ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पावर दे रखी है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब कि अगर हम पार्लियामेंट के लेवल पे बात करें तो लोकसभा में स्पीकर हो गए एंड राज्यसभा में चेयरमैन साहब हो गए, यानी कि स्पीकर साहब जो हैं जो ये कहेंगे वही पत्थर की लकीर है, चेयरमैन साहब जो कहेंगे वही पत्थर की लकीर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इन्होंने बोल दिया कि ये डिफेक्शन का कानून है एंड उस विधायक मतलब उस सांसद को एक तरह से डिस्क्वालीफाई किया जाता है इस एक्ट के तहत, तो वो पत्थर की लकीर हो जाती है दोस्तों, यानी फाइनल जजमेंट होता है वो, ठीक है। ऐसे ही इनके साथ भी है कि यही लोग होते हैं दोस्तों जो डिसाइड करते हैं किसको डिस्क्वालीफाई करना है किसको डिस्क्वालीफाई नहीं करना है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। अब दोस्तों क्या हुआ, ये जब एक्ट बनाया जा रहा था ना तो इसमें एक लाइन तो ये लिख दी कि इन लोगों का डिसीजन क्या है, फाइनल है, एंड इसके बाद इसमें एक लाइन और लिख दी कि जुडिशियल रिव्यू भी इसमें अवेलेबल नहीं है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, जो भी पावर दे रखी है वो किसको दे रखी है, स्पीकर को दे रखी है एंड चेयरमैन को दे रखी है। तो दोस्तों क्या हुआ कि जुडिशियल रिव्यू छीन लिया, किसने छीन लिया, इस कानून ने छीन लिया, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गए कि जज साहब जुडिशियल रिव्यू छीन लिया है एंड जुडिशियल रिव्यू अगर नहीं रहेगा इसका मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का उल्लंघन है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू दोस्तों क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है। एंड दोस्तों मिनर्वा मिल्स केस में एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही फेमस केस है, मिनर्वा मिल्स केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भारत में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती, हर एक चीज जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। अगर वो कानून सही रहेगा तो जुडिशरी उसको ओके कहेगी, अगर वो कानून खराब होगा तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। ये किस में बोला दोस्तों, मिनर्वा मिल्स केस में बोला, 1980 में, ठीक है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का 1980 का जजमेंट था, ठीक है, बट ये कानून आया 1985 में एंड इसमें इन्होंने बोल दिया कि एंटी डिफेक्शन के अंदर जो स्पीकर के पास पावर है वही फाइनल है एंड जुडिशियल रिव्यू उसमें अवेलेबल नहीं है। तो लोग दोस्तों पहुंच गए कहां पे, सुप्रीम कोर्ट, कि जज साहब जुडिशियल रिव्यू आपसे छीन लिया है, अब आप बताइए क्या किया जाए। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इन द केहोतो होलोहन वर्सेस जचीलू केस, स्पेलिंग दोस्तों अगर थोड़ी सी गलत वलत हो जाए तो माफ करना क्योंकि थोड़ी अजीब सी स्पेलिंग है, जचीलू, ये दोस्तों केस आई थिंक 1993 का है, ठीक है। तो केहोतो होलोहन वर्सेस जचीलू केस में क्या हुआ, ये दोस्तों ईयर को आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, केहोतो होलोहन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो स्पीकर की पावर है, कि मतलब स्पीकर एंड जो चेयरमैन की पावर है वो फाइनल पावर है। फाइनल पावर का मतलब कि यही लोग डिस्क्वालिफिकेशन का बताएंगे कि किसको डिस्क्वालीफाई किया जाए किसको नहीं किया जाए। बट जो अगली लाइन उसमें लिखी है कि जुडिशरी उसको रिव्यू नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट ने उस लाइन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, बोला ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि एवरीथिंग इन इंडिया अंडर जुडिशियल रिव्यू। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम बीच में नहीं बोलेंगे, मतलब पहले स्पीकर साहब को फैसला करने दो। इसमें दोस्तों लाइन लिखी है कोर्ट्स आर बार्ड, मतलब कानून मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है ये इनके बीच में बोल ही नहीं सकते कुछ भी, किसके बीच में, स्पीकर एंड चेयरमैन के डिसीजन में कुछ भी नहीं बोल सकते, ये लाइन उसमें लिखी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम बीच में नहीं बोलेंगे, पहले उनको अपना फाइनल डिसीजन सुनाने दो, फिर हम इस फाइनल डिसीजन को रिव्यू करेंगे कि अगर ये डिसीजन सही है
तो देन इट इज ओके। अगर स्पीकर का डिसीजन गलत है, सुप्रीम कोर्ट की नजर में अगर वो देखेंगे कि ये जो डिसीजन लिया गया ये एक तरफा है, ये जेन्युइन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। तो यानी कि दोस्तों हमने क्या सीखा इस केस में कि एवरीथिंग इन इंडिया अंडर जुडिशियल रिव्यू इंक्लूडिंग द डिफेक्शन लॉ, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकता है हर एक चीज। एंड ये लाइन दोस्तों जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुनाई थी 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में, दैट इज एवरीथिंग इन इंडिया अंडर जुडिशियल रिव्यू। अब दोस्तों हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। एंड फिर इससे पहले दोस्तों कर्नाटका वगैरह का भी काफ़ी फेमस केस था, मतलब 2019 में शायद हुआ था, तो वो भी था, बट उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम महाराष्ट्र को डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों महाराष्ट्र की बात करते हैं, चलो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो इनका चुनाव दोस्तों हुआ था 2019 में। कब हुआ इनका इलेक्शन? 2019 में। एंड दोस्तों वहां पे इलेक्शन होने से पहले ना एक चीज डिसाइडेड थी, वो चीज क्या डिसाइडेड थी कि जो शिवसेना है, शिवसेना प्लस बीजेपी, ठीक है, शिवसेना प्लस बीजेपी, तो इन्होंने बोला था प्री पोल अलायंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो ये दोनों पार्टियां मिलके सरकार बनाएगी, ठीक है। तो जब इलेक्शन आया ना, मतलब जब रिजल्ट आया दोस्तों, तो क्या हुआ, बीजेपी की थी 105 सीट, ठीक है। अब दोस्तों इनकी 2019 में इनका इलेक्शन हुआ एंड इनकी जो टोटल सीट्स हैं ये है 288 इनकी टोटल सीट्स हैं। इसका मतलब 145 जिसके पास, एक तरह से जिस पार्टी के पास 145 MLAs होंगे, इतनी सीट्स होंगी, वही वहां पे सरकार बना पाएगा। पर दोस्तों देखिए, बीजेपी को 105 सीट मिली एंड फिर शिवसेना को कितनी मिली, शिवसेना को आई थिंक मिली 56 एंड फिर मिली एनसीपी को कितनी मिली दोस्तों, 54 शायद से, ये नंबर दोस्तों एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ बस। उसके बाद थी INC, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनकी थी 44, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये रिजल्ट आया तो आप देखिए किसी के पास भी 145 नहीं है। एंड दोस्तों जब चुनाव से पहले इन्होंने क्या डिसाइड किया था कि शिवसेना एंड बीजेपी मिलके सरकार बनाएगी, बट क्या हुआ कि जब शिवसेना एंड बीजेपी को मिलके बनाना था तो जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे साहब है, इन्होंने बोला कि इनको चीफ मिनिस्टर बनना है। आप देख रहे हैं दोस्तों कि इनके पास सिर्फ 56 सीट है, उनके पास 105 है, एंड ये कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस साहब को हम CM नहीं बनने देंगे, उद्धव ठाकरे साहब बनेंगे, ठीक है। तो बीजेपी इस चीज को नहीं मानी एंड जब ये नहीं मानी तो शिवसेना ने क्या किया, इनके साथ अपनी दोस्ती कर ली। किसके साथ? इन तीनों के साथ, शिवसेना, NCP एंड कांग्रेस, इनके साथ इन्होंने मिलकर दोस्तों एक सरकार बनाई जिसे कहा जाता है महाविकास अगाड़ी समथिंग करके, MVA करके कुछ दोस्तों बोलते हैं। एंड क्या हुआ फिर, आप दोस्तों एक चीज देखिए, जनता ने किसको वोट किया था? जनता ने वोट किया था ना ही बीजेपी को ना ही शिवसेना को, जनता ने वोट किया था बीजेपी प्लस शिवसेना को। यानी कि जनता को पता था कि ये प्री पोल अलायंस है। प्री पोल अलायंस का मतलब क्या हुआ कि कोई हम किसी को भी वोट करें, चाहे बीजेपी को चाहे शिवसेना को, सरकार इन दोनों, ये दोनों मिलके बनाएंगे। बट शिवसेना ने जब इनके साथ दोस्ती कर ली तो दोस्तों ये एक तरह से जनता के साथ धोखा है, लोकतंत्र के साथ धोखा है, क्योंकि दोस्तों जनता ने वोट किया था इन दोनों के लिए एंड इन्होंने सरकार बनाई इनके साथ। तो दोस्तों आपको पता है जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसे ही इन्होंने सरकार बनाई 2019 के बाद, देखिए 2022 में आके इनकी सरकार एक तरह से अब गिरने वाली है कि अब इनको रिजाइन देना पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी मैं इसकी आगे की स्टोरी बताता हूँ आपको, ठीक है। अभी आप याद रखना, अभी हमने एक चीज सीख ली, मर्जर, यानी मर्ज कर, कैसे मर्ज दोस्तों, 2/3 अगर एक साथ एक पार्टी से उठ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उस पर हम डिफेक्शन कानून नहीं लगा सकते, ठीक है। अब दोस्तों ये सारे नंबर्स आप याद रखना, ठीक है। अब ये सारे नंबर्स में क्या हुआ कि अब इसमें से आप देखिए, ये हैं कितने, 56 शिवसेना वाले हैं, 56, ठीक है। अब इसमें एक इनके एक नेता है जिनका नाम है एकनाथ शिंदे साहब ने क्या किया, एक दिन ये अपने साथ 30 विधायक को लेके चल दिए सूरत और वहां आराम से 5-स्टार होटल में बैठ के खा पी रहे हैं, ठीक है, अचानक से बिना बताए, यानी कि एक तरह से गायब हो गए सारे के सारे लोग, 30 लोग गायब हो गए, ठीक है। अब शिवसेना वाले जो हैं वो डरने लगे, उनको पता है कि अगर ये अचानक से गए हैं इसका मतलब ये अपना सपोर्ट हमसे हटा रहे हैं एंड एक बार इन्होंने अपना सपोर्ट हमसे हटा लिया तो हमारी सरकार गिर जाएगी, ठीक है। बट दोस्तों अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर कोई पार्टी छोड़ के जाता है जीतने के बाद तो उस पर ये कानून लगा दिया जाता है।
अच्छा दोस्तों, इस कानून के लगाने से होता क्या है कि ये कानून लगाने से सब लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है कि मिनिस्टर नहीं बनने दिया जाता, एंड लोग आपको पता है जैसे अगर इनको विधायक है, ये एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो इनको किस चीज़ की लालच है? मंत्री पद की लालच होती है, ठीक है। तो इस कानून में यही लिखा है कि अगर आप एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी गए तो आपको मिनिस्टर नहीं बनने दिया जाएगा, आप इन एलिजिबल हो जाओगे, यानी कि इस पद के लिए अब आप योग्य नहीं हो। तो क्या हुआ, एकनाथ शिंदे साहब चले गए सूरत ले गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, वहाँ से चले गए गुवाहाटी, मतलब एक तरह से असम के अंदर, आप देखिए दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, ठीक है। अभी नंबर बढ़ के हो गया 37। अब दोस्तों इस टाइम पे न्यूज़ में फोटो आई है कि ये इनके पास 42 विधायक हैं। आप एक बार आप 42 माइनस कर दीजिए इन तीनों में से, तो आप देखेंगे, मतलब शिवसेना, एनसीपी एंड आईएनसी में से 42 माइनस कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये सरकार बनाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इनकी 145 से नीचे सीट्स चली जाएंगी, ठीक है। अब दोस्तों रही बात कि इन पे डिफेक्शन का कानून लगेगा या नहीं लगेगा, तो आइए उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। अब देखिए ये है 56, ठीक है, ये शिवसेना के लीडर हैं, यानी शिवसेना के विधायक छोड़ना चाह रहे हैं अपनी पार्टी को, ठीक है। तो इसमें दोस्तों तो अभी जो न्यूज़ में नंबर चल रहा है वो है 37, कि इनके पास 37 के करीब है या 42, आप मान लीजिए 42, ठीक है। अब अगर आप 56 का 2/3 करेंगे ना, तो ये हो जाता है लगभग 37, यानी कि अगर 37 विधायक एक साथ शिवसेना को छोड़ के बीजेपी में चले जाएंगे तो उन पे ये कानून नहीं लगेगा, यानी कि वो लीगल हो जाएगा, क्योंकि उसे मर्ज कहेंगे दोस्तों, हम मर्जर कहलाता है इस कानून के हिसाब से, अगर 2/3 मेंबर्स एक साथ चले जाते हैं। तो उद्धव ठाकरे साहब इसी चीज़ को लेके एक तरह से घबरा रहे हैं कि अगर ये सारे के सारे एक साथ चले गए तो इनकी सरकार भी गिर जाएगी, एंड ये इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन कानून भी नहीं लगा पाएंगे। तो दोस्तों ये सारी स्टोरी अभी चल रही है, बाकी आप लोग न्यूज़ में देखते रहिए कि आगे क्या होता है। मेरे को तो उम्मीद दोस्तों यही है कि इनकी सरकार अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि फ्लोर टेस्ट के लिए इनको बोला जाएगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके खिलाफ चलाया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको ये सारी की सारी कहानी बहुत अच्छे से समझ आई होगी कि एंटी डिफेक्शन कानून होता क्या है, यानी दल बदल कानून में क्या क्या प्रोविजंस दे रखे हैं, आपको सारे अच्छे से समझ आ गए होंगे। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।